नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज हम आपको बताएंगे भृंगराज से होने वाले फायदों के बारे में। आचार्य बालकृष्ण जी के मुताबिक भृंगराज के औषधीय गुण अद्भुत हैं। कई व्याधियों में इसका इस्तेमाल बहुत लाभकारी होता है। तो चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं भृंगराज से होने वाले फायदों के बारे में। पानी में ज्यादा देर रहने या फिर पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से होने वाली गलन की समस्या में भृंगराज काफी लाभकारी माना जाता है। इसको पीसकर प्रभावित जगह पर लगा लेने से गलन की समस्या में आराम मिलता है और साथ ही अगर घाव हो गया है तो घाव जल्दी भरने में भी मददगार होता है। मधुमेह की हालत में अगर चोट लगने से घाव बन जाता है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे में भृंगराज की ताजी पत्तियों को पीसकर उसके रस को घाव पर लगाने या फिर इसको रुई में लगाकर घाव पर बांधने से जल्द ही घाव भरने लगता है। अंदर की चोट हो या फिर सूजन या दर्द है, ऐसे में भृंगराज काफी लाभकारी होता है। इसकी ताजी पत्तियों का रस निकाल लें और फिर गर्म करें। गर्म करने के बाद उसे रुई पर रखकर चोट वाली जगह पर लगा लें। इससे सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलेगा। आयुर्वेद में भृंगराज को बालों के लिए काफी दिव्य और निरापद माना गया है। बाल झड़ने की समस्या है तो भृंगराज को आंवला, रीठा और शिकाकाई के साथ मिलाकर पाउडर बना लें और फिर इसका लोहे की कड़ाही में लेप तैयार कर लें। इस लेप को बालों की जड़ों में लगाएं और फिर थोड़ी देर बाद धो लें। लाभ मिलेगा। आंखों के लिए भी काफी लाभकारी होता है भृंगराज। आंखों में दर्द है या फिर किसी तरह का संक्रमण है या फिर आंखों की रोशनी कम हो गई है तो ऐसे में भृंगराज के ताजे पत्तों को मसल कर रस निकाल लें और फिर उसको आंखों में डालें तो लाभ मिलता है। दंत शूल की शिकायत है या फिर मसूड़े में दर्द रहता है तो इसके लिए भी भृंगराज लाभकारी होता है। करना बस इतना है कि भृंगराज के रस को दर्द के विपरीत दिशा वाले कान में चार चार बूंद डाल लें तो दर्द में आराम मिलता है। माइग्रेन की शिकायत है या फिर सिर दर्द रहता है तो ऐसे में बेहद लाभकारी होता है भृंगराज। इसकी कोमल पत्तियों को और टहनियों को मसल कर रस निकाल लें और फिर इसकी चार चार बूंदों को नाक में डालने से फायदा मिलता है। साइनस की समस्या में भी ये बेहद निरापद औषधि है। इसकी कोमल पत्तियों के रस की चार चार बूंद नाक में डालने से आराम मिलता है। चर्म रोग की समस्या है तो रोजाना भृंगराज के रस का सेवन करने से लाभ मिलता है। पेट दर्द में भी ये लाभकारी होता है। इसको पीसकर इसका लेप पेट के ऊपर लगा लेने से लाभ मिलता है। हाई बीपी की समस्या में भृंगराज बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके लिए रोजाना भृंगराज की ताजा पत्तियों को 2 चम्मच रस निकालकर उसमें मिश्र मिलाकर उसका सेवन करें तो हाई बीपी की समस्या में आराम मिलेगा। तो ये थे भृंगराज से होने वाले फायदे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। रखें अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।